बिहार बोर्ड के 10th और 12th के दोनों छात्रों का एग्जाम फॉर्म शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 2022 में जो स्टूडेंट्स परीक्षा देने वाले हैं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र, उन लोगों का एग्जाम फॉर्म शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम फॉर्म वाला आप लोगों को डाउनलोड कैसे करना है, एग्जाम फॉर्म और कैसे भरना है और कहाँ जमा करना है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक समझें और ध्यान से देखें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में शुरू करूं, पूरी जानकारी आपको बताऊं, उससे पहले यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल पर न्यूजर हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो और जैसे ही सब्सक्राइब करोगे बगल में घंटी का ऑप्शन दिखेगा उसको भी दबा देना, कि आने वाली पूरी न्यूज अपडेट आपको बिहार बोर्ड की तरफ से सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए बिहार बोर्ड की पूरी जानकारी आपको देने के लिए। दोस्तों बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एग्जाम फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है। जी हाँ, ऑनलाइन यानी अपने मोबाइल फोन से, जिस मोबाइल फोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो इस मोबाइल, अपने मोबाइल फोन से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और ले चलते दिखाते हैं। ये दोस्तों मैं आ गया हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और दोस्तों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर यह लिंक पहले से ही अवेलेबल है। यहां पर देख सकते हैं ये मेरा ये लिंक है ऑफिशियल। ये मैं लिंक पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक नया विंडो आ जाएगा जिसमें बोलेगा गूगल या क्रोम ब्राउजर पर चले जाओ। हम क्रोम ब्राउजर पर क्लिक कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का कुछ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा। अब इसे आप लोगों को नीचे जाना है, बिल्कुल कहीं भी ऊपर नहीं जाना है। आप इसे अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, यहां पर देख सकते हो आप इसे पढ़ सकते हो अच्छी तरह, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जिन छात्रों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया हो कर भी सकते हो। ठीक, तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है और कैसे भरना है और कहाँ जमा करना है। तो आप नीचे आइए, इसी तरह नीचे आने के बाद आप लोगों को थोड़ा और नीचे आना है और थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एग्जाम फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, 10th एग्जाम फॉर्म डाउनलोड। यहाँ पर क्लिक, हेयर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 10th वालों का देखने को मिल जाएगा और 12th वालों का यहाँ पर है। देखिए 12th वाले आर्ट है लिए हैं, साइंस लिए हैं, कॉमर्स के लिए हैं, जो भी लिए हैं। तो आप लोग आर्ट का साइंस कॉमर्स वाले पर क्लिक करके अपना जो भी है, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट के स्टूडेंट्स हैं और कॉमर्स के हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना एग्जाम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। मैं एक 12th वालों का साइंस का क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे सामने यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इसी तरह आपका भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है डाउनलोड पर। अब जैसे आप क्लिक करोगे हमारे सामने देख सकते हैं ये एग्जाम फॉर्म खुलकर आ गया। यहाँ पर देख लीजिए 2022 परीक्षा का रिलेटेड ये एग्जाम फॉर्म है जो सबसे पहले आपको भरना होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखें, यहाँ पर एक फोटो लगाना है आपको जो कलर साइज में होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए। ठीक है, कलर फोटो यानी 35 mm और 30 mm के बीच होना चाहिए साइज में। ठीक, उसके बाद ये फोटो साइज तो आपको ऑनलाइन कोई भी साइबर कैफ वाला बनाकर बता देगा। ठीक है, आप ऑनलाइन साइबर कैफ वाले से जो हाफ फोटो निकलवाते हो वही फोटो यहाँ पर डाल दो। उसके बाद यहाँ पर आपको रेगुलर यानी कैटेगरी अपना सेलेक्ट कर लेना है, कि आप रेगुलर वाले हैं, कैटेगरी अपना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को, उसके बाद आप लोगों को देखिए दोस्तों यहाँ पर अपना कैटेगरी पर टिक कर देना है जो भी आपका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉलेज कोड डाल देना है आपका, जो भी कॉलेज कोड है। और उसके बाद जैसे कि आप लोग कॉलेज कोड डालोगे अपना, तो कॉलेज नेम यहाँ पर डालना है। ठीक है, पूरा कॉलेज नेम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को ये बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है, मेल हो या फीमेल हो सिग्नेचर कर दीजिए। स्टूडेंट्स अपना 4 यहाँ पर नेम डालेंगे। ठीक है, पूरा नेम यहाँ पर डालेंगे। अगर मान लीजिए अपना ये, अगर जैसे कि नेम डालने के बाद मिडिल नेम होता है तो मिडिल नेम नीचे डाल दीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, यहाँ पर हिंदी में अपना नेम डालेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स अपना इंग्लिश में यहाँ पर नाम भरेंगे, ध्यान रखिएगा हिंदी में यहाँ पर नीचे भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना 6वां मदर्स नेम डालेंगे, यहाँ पर देखिए मदर्स नेम हिंदी में भी डालना है। ठीक है, फादर्स नेम डालेंगे, फादर्स नेम हिंदी में भी डालना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों। ठीक है, फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद मैट्रिक क्लास पासिंग बोर्ड अपना नेम, ठीक है, किस बोर्ड से आप पास किए हैं, अगर मान लीजिए बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड से यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर 10th क्लास बोर्ड रोल कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा, अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पर पासिंग मार्क्स डाल दीजिएगा। ठीक है, पासिंग ईयर्स यानी पासिंग ईयर्स डाल दीजिएगा, कौन से ईयर्स में आप पास हुए हो। ठीक है, 2021 में वो पास हुए तो 2021 यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आपको, आप मेल हो या फीमेल हो टिक कर दीजिएगा, अदर हो या ओबीसी हो या ईबीसी हो या जर्नल हो
या नहीं हो तो आप जो भी हो, एससी हो, एसटी हो, आपका ये कैटेगरी है, किस आप कैटेगरी के हैं आप उस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब होने के बाद अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इंडियन हो, इंडियन यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद ये आप मतलब हिंदू धर्म में हो, हिंदू धर्म में सिलेक्ट करिए, या इस्लाम या सिख या जो भी हो आप मतलब वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे जाति के स्टूडेंट्स होते हैं तो आप अपना मतलब सिलेक्ट कर लीजिए उसके अपने हिसाब से। फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, फिर यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है, एड्रेस डाल देना है, आधार नंबर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इतना सब करने के बाद मैरिड हो तो मैरिड कर दो, अनमैरिड हो तो अनमैरिड डाल दो, यहाँ पर टिक कर दो, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर ओके, उसके बाद आईएफएससी कोड डाल देना है, ठीक है। अगर उसके बाद यहाँ पर देखिए टू आइडेंटिफिकेशन, यानी आपका जो मतलब प्रूफ है वो डाल दीजिएगा, ओके। मार्क्स यहाँ पर स्टूडेंट्स अपना डाल दीजिएगा, सारा मार्क्स यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, मीडियम हिंदी इंग्लिश जो भी आप सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो यहाँ पर चूज कर लीजिए, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर आप आ जाता है यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट एनी ऑन वन सब्जेक्ट, आप जो भी सब्जेक्ट लिए यहाँ पर लिए हो वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है, हिंदी हो इंग्लिश हो। और यहाँ पर देखिए आपका सारा कुछ यहाँ पर ग्रुप में दिया हुआ है, सब्जेक्ट ग्रुप वन, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हो गया आपका काम, बस आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर कर देना है इंग्लिश में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मतलब पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए, यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ पेरेंट मतलब जो आपके गार्जियन हैं, माता पिता जो भी हैं आपके, वो पिताजी का यहाँ पर सिग्नेचर ले लीजिए। आप अपना नेम यहाँ पर हिंदी में डाल दीजिए, उसके बाद इंग्लिश में यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद प्रिंसिपल का यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा, ये प्रिंसिपल का काम है, आपका नहीं है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण का मिलान महाविद्यालय प्लस टू विद्यालय के सभी अभिलेखों से पूर्ण रूपेण कर लिया गया है, तब उसके बाद परीक्षार्थी सूचीकरण अनुमति आवेदन पत्र भर दिया जाए, ठीक है। यानी ये जो अब आप लोगों को आप स्कूल अपने स्कूल में ले जाकर फॉर्म को जमा कर देना है, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आप लोगों का ले जाकर स्कूल में जमा कर देना है, ठीक। तो ये दोस्तों सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, हाल आई होप कि आपको मतलब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोग जो भी हो, टेंथ वाले हो, ट्वेल्थ वाले हो, इस पर क्लिक करो, आर्ट हो तो आर्ट, साइंस से हो तो साइंस पर क्लिक कर दो, कॉमर्स पर तो कॉमर्स पर, आपका एग्जाम फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और आसानी से इसे प्रिंट आउट निकलवा कर भर सकते हो, ठीक है। सारी जानकारी मैंने को दे दीजिए। वीडियो कैसी रही कमेंट सेशन में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।